हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी फूडी दोस्त रेनू सिंगल और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम टाइम में चटपटे और टेस्टी छोले। जी हाँ, आप ये सामान देख रहे हैं, मुझे ये इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमने आधा किलो काबुली चने को कम से कम 6 घंटे भिगा कर रखा है और अब मैंने पानी निकाल कर यहाँ ले लिया है। इसके लिए हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज़पात 2-3 पत्ती ली हैं, 2 छोटी इलायची, 2 लाल मिर्च ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, कुछ काली मिर्च के दाने हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 हमारे पास चक्रफूल है, बहुत छोटा सा टुकड़ा हमारे पास जावित्री का है एंड 3 या 4 लौंग ली हैं। अब इसमें हम पिसे मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। हमने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच भर के जीरा लिया है, 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच हींग लिया है, नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर छोटी वाली गरम मसाला लिया है। इसके साथ मैं यहाँ पर ये MDH का चना मसाला यूज़ करूँगी और 1 ग्लास चाय की पत्ती, मतलब 1 ग्लास पानी में चाय की पत्ती डालकर अच्छे से पका लिया है और उसको छानकर मैंने पानी को यहाँ ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं छोले तो बना रही हूँ बट यहाँ पर ना कोई टमाटर प्याज है ना कुछ है, तो फ्रेंड्स आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने आपको बेसिक मैजिक ग्रेवी बनाना सिखाया है, वही बेसिक मैजिक ग्रेवी हम अपने छोलों में डालकर छोलों को इंस्टेंट बहुत जल्दी करके बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुकर में छोले और ये सारे साबुत मसाले, छोले साबुत मसाले, नमक और चाय पत्ती का पानी, ये डालकर हम अपने छोलों को उबाल लेते हैं। इसके लिए हमें कुकर में 1 सीटी तेज गैस पर लगानी है और उसके बाद गैस को अपने स्लो कर देंगे, बिल्कुल धीरे कर देंगे और धीरे गैस पे रखे रखे 4 सीटी और लगानी है। ये मैंने अपना कुकर ले लिया है, अपने कुकर में मैं सारे अपने चने डाल रही हूँ। चने डालने के बाद देखिए मैं इसमें अपने सारे मसाले, जितने भी साबुत मसाले हैं, फ्रेंड्स जितना अच्छा टेस्ट इनका अंदर पक के आता है इतना अच्छा ऊपर से मसाले के साथ भूनने में नहीं आता। इसमें नमक ऐड करने जा रही हूँ और इसमें चाय पत्ती का ये पानी ऐड कर रही हूँ। अभी फ्रेंड्स हमें इसमें ये पानी कम है, 1 ग्लास पानी की और ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसमें 1 ग्लास पानी और डालने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी और डाल दिया है और अब इसको हम ढक्कन लगाकर गैस पे रखेंगे। हमने गैस पे अपना कुकर रख दिया है, अब हम इंतज़ार करते हैं जब इसमें 1 सीटी आ जाएगी तब हम इसकी गैस कम कर देंगे, उसके बाद 3-4 सीटी इसमें 4 सीटी कम से कम और लगाएंगे और जब ये ठंडा हो जाए, इसका प्रेशर निकल जाए, तभी हम इसको खोलेंगे। जब इसमें 4 सीटी लग जाएंगी, गैस हम बंद कर देंगे, तब हम इसका मसाला रेडी करेंगे और फिर ठंडा हो जाएगा, इसको खोल कर देखेंगे हमारे छोले कितने गले हैं। फ्रेंड्स हमारे छोले बॉईल हो चुके हैं, चलिए इनको खोल के देखते हैं।
ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, अच्छे से बॉईल हुए हैं। लेकिन अभी क्या करना है, हमें इसका मसाला तैयार करना है और इसमें मसाला डालना है, एक ग्लास पानी डालना है और फिर इसके बाद एक सीटी और लगानी है। उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा काला रंग इनका आया है। इसको हम अभी मसाला भून के और फिर इसमें दोबारा से एक सीटी लगाते हैं और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे लग रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना मसाला भूनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना मसाला भूनते हैं। हमें गैस ऑन करके अपना पैन रखते हैं। अब इसमें हम अपना ऑयल या घी, आप जिसमें भी बनाना चाहें वो डालेंगे। मैं यहाँ घी का यूज कर रही हूँ। जैसे ही हमारा घी मेल्ट होता है, हम इसमें अपना जीरा ऐड करेंगे। ये लीजिए, हमने अपना जीरा ऐड कर लिया है। जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल होगा, इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे, क्योंकि जब कटे हुए अदरक की बाइट मुंह में आती है खाते हुए तो वो थोड़ा क्रंच देता है, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अदरक भी अब भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट, हमारा बेसिक मैजिक ग्रेवी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम टमाटर प्याज काटने में, उन्हें भूनने में ही लगता है। अगर वही हमारे पास पहले से तैयार रखा हो तो हम कोई भी सब्ज़ी कितना झटपट बना सकते हैं। उससे पहले हम इसमें अपना हींग डालेंगे। गैस की फ्लेम कम करेंगे, इसमें गरम मसाला डालेंगे और 2 चम्मच भरकर MDH का चना मसाला। इसके बाद हम इसमें ये जो हमारा बेसिक मैजिक ग्रेवी बना रखा है, ये देखिए इतना बड़ा स्पून लेके हम इसमें ये लगभग 2 चमचे भर के इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इंस्टेंट ग्रेवी कितनी जल्दी, ये छोलों के लिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब आप बताइए इसमें कितना टाइम लगा आपको? बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लगा। सिर्फ हमें अब ये मसाला अपने कुकर में डाल के 1 ग्लास पानी डालना है और 1 सीटी और लगानी है। बस हमारा चटपटे मसालेदार छोले बनकर तैयार हैं। आप इन छोलों को रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, या चावल के साथ खाएं, या पूरी और भटूरों के साथ खाएं, जैसे आपकी मर्जी है वैसे खा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, इस तरह से आप छोले बनाइए, बहुत जल्दी बनेंगे, टाइम बचेगा आपका और बहुत ही टेस्टी छोले बनने वाले हैं। ये लीजिए, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इस मसाले को हम अपने कुकर में डालेंगे।
फ्रेंड्स, पहले हम अपने कुकर में एक गिलास पानी डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें अभी और पानी की ज़रूरत है। ये देखिए, अगर आपको लगे आपके हिसाब से अभी भी कम है तो आप और डाल सकते हैं। मेरे को ज़्यादा पतले छोले नहीं बनाने हैं, थोड़े गाढ़े ही बनाने हैं। एक गिलास पानी मुझे इसमें कुछ कम लग रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें अभी आधा गिलास पानी और डालूंगी। लीजिए, मैंने अपना आधा गिलास पानी और डाल दिया है। अब इसी में हम अपनी सारी जो हमारा मसाला है ये मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसी में हम ये छोलों का पानी डाल के अपने पैन में जो मसाला लग रहा है उसको भी साफ कर लेंगे। देखिए, अब हम अपने छोलों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे जिससे कि मसाला थोड़ा घुल जाए इनमें। आप देख सकते हैं इस टाइम इनकी ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। अभी इनमें एक सीटी और लगनी है तो ये थोड़ा सा और गाढ़े हो जाएंगे, और उसके बाद एक सीटी लगाने के बाद मैं आपको इनकी प्लेटिंग करके दिखाऊँगी कि हमारे छोले कैसे तैयार हुए हैं। एक सीटी लगाने के बाद जो इसमें प्रेशर भरा होगा आप उस प्रेशर को मत निकालिएगा, जब वो ऑटोमेटिकली खुद निकल जाए तभी आप खोलिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कितना इजी तरीका है चटपटे मसालेदार छोले बनाने का, और आप ट्रस्ट कीजिए ये छोले आप मेरी रेसिपी से बनाइए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए, इसमें एक सीटी आ जाएगी, उसके बाद ही ठंडे हो जाएंगे, तो मैं आपको प्लेटिंग में दिखाती हूँ कि छोले फाइनली हमारे कैसे लगे बनके। देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर, इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो करें, बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसे लगे। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।